बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज वेरिएशन इन जेनेटिक्स। हम लोग जो ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने किप्स के जो एमडी कैट के एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करना है कि किस किस एमसीक्यूज का, किस किस टॉपिक का जो क्या क्वेश्चन जो है बन सकता है, किसी भी एमसीक्यूज का क्या आंसर है और वो क्यों वो वाला आंसर है। तो अभी तक हम लोगों ने पहले तकरीबन जो 5 चैप्टर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो एक दफा उनको चेक कर लें। इस चैप्टर को भी अगर अभी हम लोग 2 पार्ट्स में अपलोड करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो बेसिक टर्म्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि भाई किसी भी टर्म को हम लोगों ने क्यों समझना है, ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स में वो जो टर्म्स हैं वो बार बार इस्तेमाल हो रही हैं तो हमें उनका आइडिया हो। तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स हैं द अलील्स आर। जो अलील्स होती हैं किसी भी जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं बेसिकली उनको अलील्स का नाम दिया जाता है। कि अगर एक जीन है जो कि आंखों का रंग कंट्रोल कर रही है उसकी अलग अलग फॉर्म्स होंगी। एक जीन एक उसमें फॉर्म ये होगी कि वो आंखों का रंग ब्लैक करना चाहती है, दूसरी फॉर्म होगी वो ब्राउन करना चाहती है, तीसरी फॉर्म होगी जो कि ब्लू करना चाहती है। तो एक ही जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको हम लोग अलील्स का नाम देते हैं। तो अ पेयर ऑफ जीन्स गवर्निंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, नहीं पेयर ऑफ जीन्स हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा। ऑल्दो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये पेयर की फॉर्म में होती है लेकिन दैट इज नॉट द आंसर। जीन्स गवर्निंग आई कैरेक्टर्स, वो सिर्फ आई कैरेक्टर्स को गवर्न नहीं करनी कर रही होंगी बल्कि हर एक कैरेक्टर को गवर्न कर रही होती है, उनको कंट्रोल कर रही होती है। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन्स, मल्टीपल के अलावा हम लोग इसको अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन भी कह सकते हैं, दैट इज द राइट आंसर। एन ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इट्स। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना इसको अलग अलग तरीके से परसीव किया जा सकता है। कुछ बच्चे ये समझ सकते हैं कि ये मुकम्मल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो सवाल है ना वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम आई कलर को आगे लेके चलते हैं कि आई का जो कलर है उसको कंट्रोल करने वाला जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम लोग उसकी जीनोटाइप का नाम देते हैं। कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो पेयर ऑफ अलील्स किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है वो उसकी जीनोटाइप कहलाती है। और नेचर ऑफ कैरेक्टर, जैसे आई कलर अगर ब्लैक है तो दैट इज बेसिकली द फिजिकल अपेयरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर, उसे हम लोग फिनोटाइप कहेंगे। जो जेनेटिक्स है दैट इज द स्टडी ऑफ जीन्स और जीन पूल कहते हैं किसी भी मुकम्मल पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी जीन्स और अलील्स मौजूद होती हैं उनको कलेक्टिवली जीन पूल का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो जीन पूल इसका आंसर नहीं होगा, जीनोटाइप इसका आंसर है। ऑल द जीन्स अलील्स फाउंड इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम और कलेक्टिवली टर्म्ड एज़। तो ये हम लोगों ने अभी अभी इसके बारे में बात की है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर मुकम्मल जो कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद होगा जीन का, तमाम जीन्स और अलील को हम लोग कलेक्टिवली क्या नाम देंगे, उन्हें हम लोग जीन पूल का नाम देंगे। एन अलील इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ। अब डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या फर्क होता है कि दो अलग अलग अलील्स अगर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, एक अलील चाहती है कि वो आंखों का रंग ब्लैक कर दे, दूसरी अलील चाहती है वो आंखों का रंग येलो कर दे। अब इन दोनों में बेसिकली जो चीज जो अलील एक्सप्रेस हो जाएगी वो अलील डोमिनेंट है और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी वो रिसेसिव होगी। तो जो डोमिनेंट अलील होती है उसने अपने आप को बेसिकली एक्सप्रेस करवाना है। इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेटरोजाइगस कॉम्बिनेशन। हेटरोजाइगस का मतलब होता है कि दोनों अलील्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो हेटरोजाइगस में तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करती करती है लेकिन साथ होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होती है, तो दैट इज नॉट द राइट आंसर। इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, या होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में जो अलील एक्सप्रेस हो रही होती है वो रिसेसिव अलील होती है, वो डोमिनेंट नहीं होती। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस कंडीशंस, दैट इज द राइट आंसर। An organism with two identical alleles for a given trait, जैसे कि आई कलर है उसको कंट्रोल करने वाली दो अलील्स हैं, दोनों ही चाहती हैं कि आंखों का जो रंग है वो ब्लैक हो, तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कोई फर्क नहीं है, उसको हम लोग होमोजाइगस का नाम देंगे। अगर एक चाहती हो कि आंखों का रंग ब्लैक हो, दूसरी चाहती हो आंखों का रंग ब्राउन हो, दूसरी ब्राउन कलर कंट्रोल करना चाहती है, तो वो फिर हेटरोजाइगस होगा। तो अगर दोनों सेम है तो होमोजाइगस इसका आंसर है। पोजिशन ऑफ अ जीन विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, ये बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल वो क्रोमोजोम के अंदर जो मौजूद होता है, एक क्रोमोजोम पर किसी भी जीन की जो पोजिशन होती है उसकी लोकेशन होती है, उसका घर होता है, दैट इज कॉल्ड इस लोकस, उसको लोकस का नाम दिया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, अभी हमारे पास बेसिकली एमडीकेट का पास पेपर का क्वेश्चन है, दैट इज वाई ये रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग जीन पूल का नाम देते हैं, हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है इसे। लोकस स्टैंड्स फॉर,
पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर वो होमोलोगस नहीं भी है किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर, जो एक जीन की पोजीशन होगी वो उसका लोकस कहलाता है। ये कोई रीजन नहीं है क्रोमोसोम का, पोजीशन ऑफ एन अलील विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, अलील की पोजीशन नहीं है, बेसिकली जीन की पोजीशन है ये। तो इसका आंसर ए ही होगा। द रीजन ऑफ क्रोमोसोम और मोर स्पेसिफिकली अ लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच हैज अ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड। तो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल का एक छोटा सा सेक्शन जो किसी एक प्रोटीन को कोड कर रहा होगा, यानी कि वो किसी एक ट्रेड को या एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ द डीएनए इट इज कॉल्ड द जीन। क्योंकि लोकस तो सिर्फ उसकी पोजिशन है, जो जीन जो अलील जो है ये तो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है। तो जीन बेसिकली वो छोटा सा सेक्शन होता है जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। डैश इज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। तो ये अगेन पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई रिपीट हो रहा है। लोकस हमारे पास एग्जैक्ट पोजिशन होती है किसी भी जीन की उस क्रोमोसोम के ऊपर। होमोजाइगस का मतलब क्या है? होमो का मतलब बेसिकली सेम होता है। तो होमोजाइगस कहते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो एलील्स हैं किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली, और वो दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। तो हैविंग टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन, टू आइडेंटिकल जीन्स नहीं कहेंगे हम लोग, टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन जो होगा दैट विल बी कॉल्ड होमोजाइगस। इन जेनेटिक्स द टर्म लोकस रेफर्स टू डैश ऑफ द जीन, अगेन एमडीकैट का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतनी दफा रिपीट हो चुका है, ये 3 से 4 दफा पहले ही रिपीट हो चुका है अभी तक। तो हमारे पास इन जेनेटिक्स द टर्म लोकस रेफर्स टू द पोजिशन ऑफ द जीन ऑन अ क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम पे उसकी जो पोजिशन है उसको रेफर करता है। व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर सेम, अगेन ये वाला एमसीक्यू देख लें कितनी दफा रिपीट हो रहा है, पीएमसी 2020 में भी आ चुके हैं। तो जब दोनों अलील जो होंगे किसी जीन पेयर के अंदर वो सेम होंगी तो उसे हम लोग होमोजाइगस का नाम देंगे। फिनोटाइप इज, देखिए हम लोगों ने स्टार्ट में बात की थी दो चीजों की, एक जीनोटाइप था। जीनोटाइप क्या है कि वो कोई भी जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी एक ट्रेड के लिए, एक करेक्टर के लिए जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा वो उसकी जीनोटाइप है। अब वो जीनोटाइप उस ट्रेड को किस तरह कंट्रोल करती है, उसकी फिजिकल आउटकम क्या होती है, उसकी फिजिकल अपेयरेंस क्या होती है, दैट इज नोन एज द फिनोटाइप। तो बेसिकली द जेनेटिक कम्प्लीमेंट दैट इज जीन, नहीं जेनेटिक कम्प्लीमेंट नहीं होगा, पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर उसको एलील कहते हैं। द फॉर्म ऑफ अपेयरेंस ऑफ अ ट्रेड, एक ट्रेड किस तरह से अपीयर हो रही है, जैसे कि आंखों का रंग जो है एक कैरेक्टर है, उसको कंट्रोल करने वाली जो जीन्स होंगी उसकी जीनोटाइप है। लेकिन आंखों का रंग कंट्रोल करके अपीयर क्या किया जा रहा है, ब्लैक है, ब्राउन है, येलो है, ब्लू है, कौन सी आंखें हैं, वो जो बेसिकली अपीयरेंस होती है उसको हम लोग फिनोटाइप का नाम देते हैं। तो सी इसका आंसर होगा। मेंडेलियन इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट नेचर ऑफ सीड कोट, अब देखें यहाँ पे जो सीड कोट है एक ट्रेड है, फ्लावर कलर एक ट्रेड है, पोजीशन ऑफ फ्लावर एक ट्रेड है, पॉड कलर एक ट्रेड है, लेकिन इन करेक्टर्स की नेचर के बारे में पूछा गया कि ये करेक्टर बेसिकली क्या है। अगर सीड कोट की बात करें तो वो किस तरह का उसका कलर होगा, उसकी शेप किस तरह की होगी, फ्लावर कलर किस तरह का होगा, उसकी नेचर क्या होगी, वो वाइट है या वो पर्पल है। तो ये जो उसकी अपेयरेंस है, उसकी नेचर है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसको कंट्रोल करने वाली जीन्स के बारे में नहीं पूछा जा रहा, ये फिनोटाइप्स हैं। Mendel concluded that each organism has two heredity factors for each trait, now called. So Mendel ने basically कहा था, जब उसने law of segregation propose किया, तो उसने कहा था कि भाई हर एक character को control करने के लिए दो factors होते हैं, जो कि meiosis के time पे या gamete formation के time पे एक दूसरे अलग अलग हो जाते हैं। जब वो gametes fertilize होते हैं, sperm और egg मिलते हैं, तो दोबारा से वो वाले factors reunite करते हैं ताकि number of factors मुकम्मल हो जाए। उन फैक्टर्स को हम लोग अब एलील्स का नाम देते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पाइसम सेटिवम, पी प्लांट जो होता है। अब यहाँ पे ना ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर उकात बच्चों को ये कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है ये वाला सवाल। देखिए पाइसम सेटिवम जो है ये पी प्लांट है, इसमें 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बच्चों के जहन में 14 का आंसर होता है, लेकिन बच्चे यहाँ पे आगे अगर कंफ्यूज होंगे तो भाई पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पूछा जा रहा है, तो 14 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, तब आपके पास पेयर्स आएंगे, तो 7 पेयर्स होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर बात की जाए तो द ड्वार्फनेस इन प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन इज ड्यू टू,
अब जो ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर है ना, ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर कब अपियर होगा? जब रिसेसिव अलील्स जो है वो होमोजाइगस होंगी। तो हमारे पास जो है वो ए ऑप्शन है, होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन। अगर हम बात करें ना कि जो F2 जनरेशन है उसकी जीनोटाइप, अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करवाया हमने, ये पेरेंटल जनरेशन है। F1 जनरेशन इसकी कौन सी बनेगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। और F2 जनरेशन की अगर बात की जाए तो F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास जो है वो तीन अलग अलग तरह की जो है ना वो जेनेटिक कंपोजिशन आएंगी। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा कैपिटल टी, दो ऑर्गेनिज्म होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक ऑर्गेनिज्म होगा स्मॉल टी। तो ये जो स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स हैं, इसकी वजह से डॉर्फनेस जो है वो शो होती है। जो डोमिनेंट एलील्स होंगी वो तो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेंगी, टॉल कैरेक्टर को शो करेंगी, और कभी भी हेटरोजाइगस फॉर्म में रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाता। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ रिसेसिव टू डोमिनेंट प्लांट्स वाज इक्वल टू। तो अब यहाँ पे देखें जो फिनोटिपिक रेशियो है, यानी कि अपेयरेंस जो है, हमने जीनोटिपिक रेशियो नहीं बात की बात नहीं की, जीनोटिपिक रेशियो तो हमारे पास 1:2:1 आ गई F2 जनरेशन के अंदर, लेकिन इसमें ये जो तीन है ये डोमिनेंट है और एक हमारे पास रिसेसिव है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फिनोटिपिक रेशियो ऑफ रिसेसिव टू डोमिनेंट, नॉर्मली आपकी बुक में डोमिनेंट टू रिसेसिव लिखा होता है, 3:1 लिखी हुई होती है, लेकिन यहाँ पे जब रिसेसिव टू डोमिनेंट पूछा जा रहा है तो ये 1:3 आप सेलेक्ट करेंगे, 3:1 सेलेक्ट नहीं करेंगे। ए विल बी द आंसर। अ क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस रिसेसिव एंड अ हेटरोजाइगस प्लांट इज कॉल्ड। अब हमारे पास ना जो हेटरोजाइगस प्लांट होता है इसकी जो अपेयरेंस है वो हमेशा डोमिनेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टॉल प्लांट है, अब हमने ना ये पता करना है कि भाई ये हेटरोजाइगस है या होमोजाइगस, हमें नहीं पता कि टॉल प्लांट की जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी होगी या कैपिटल डी स्मॉल टी है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है ना, दोनों टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस करेंगे। हम इसको एक ड्वार्फ प्लांट से या होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाएंगे ताकि हमें अल्टीमेटली पता चले कि यार इसकी जीनोटाइप क्या है। इस तरह के क्रॉस को हम लोग टेस्ट क्रॉस का नाम देते हैं। जब भी एक जो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसको रिसेसिव फिनोटाइप से क्रॉस करवाया जाएगा, ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। सेल्फ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट्स रिजल्ट्स इनटू द जीनोटाइप रेशियो। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन को क्रॉस करवाया तो हमारे पास जीनोटाइप रेशियो ये वाली आई, 1:2:1। जो फिनोटाइप रेशियो थी वो 3:1 थी, लेकिन जीनोटाइप रेशियो जो थी वो 1:2:1 थी। उसमें जो वन था हमारे पास कैपिटल टी था, उसके अलावा जो दो थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी थे, और हमारे पास एक और जो था वो स्मॉल टी था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 डाई हाइब्रिड्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स रिजल्ट इन। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ना जो कलर की बात नहीं की जा रही, जो सीड शेप है राउंड और रिंकल्ड है उसका करेक्टर जो है उससे हाइट के साथ मिलाकर यहाँ पे सवाल पूछा गया। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आएगा ना जो कि आपने पहले कभी देखा नहीं हुआ, तो आपने परेशान नहीं होना, उसको एक दफा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब देखें जो हमारे पास दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म में अगर हो, टॉल और राउंड, उसकी जो जीनोटाइप बनती है दैट इज कैपिटल टी कैपिटल आर टॉल राउंड। उसके अलावा ड्वार्फ रिंकल्ड की जो जीनोटाइप बनती है दैट इज स्मॉल टी स्मॉल आर। इन दोनों को क्रॉस करवाया जाएगा, F1 डाई हाइब्रिड जो बनेंगे वो होंगे कैपिटल कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इनको आपस में क्रॉस करवाना है। इनको कैसे क्रॉस करवाया जाएगा उसका एक टेबल बनाते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे जो चीजें हैं उनको रिमूव कर देते हैं और इसके टेबल बना के एक दफा इसको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये टेबल बनाना आता होगा तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के सवाल को आंसर करने में मैक्सिमम आपको 2 मिनट लग सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अब हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसके कितने गैमेट्स बनेंगे? 4 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा स्मॉल टी कैपिटल आर, और चौथा स्मॉल टी स्मॉल आर। ये 4 गैमेट्स बनेंगे। इस साइड में भी हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ये 4 हमारे पास गैमेट बन गए। अब ये गैमेट आपस में मिलेंगे किस तरह? बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लोगों ने वो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला जो पुनर्ट स्क्वायर बना के देखा था डाईहाइब्रिड वाला, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो इसको आपने कैसे बनाना है? सबसे पहले हमारे पास ये वाला गैमेट अगर इसके साथ मिलता है कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर,
अगेन कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर ये गैमेट इसके साथ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और अगर ये गैमेट आगे से मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर गैमेट नंबर टू जो है वो इस गैमेट से मिलते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद अगर गैमेट नंबर टू इस गैमेट नंबर टू से मिलता है कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना ये डिफरेंट है, ये टॉल भी है प्लांट और ये रिंकल्ड भी है, ये चीज एक डिफरेंट होगी, ये नया करेक्टर है। तो अगर गैमेट नंबर टू गैमेट नंबर थ्री से मिलता है अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर ये आगे जाके इस फोर्थ गैमेट से मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल आर अगेन, ये टॉल और रिंकल्ड होगा। अगर हम आगे इस गैमेट की बात करें स्मॉल टी कैपिटल आर की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर अगेन वही, अगर आगे से इसकी बात करते हैं कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल आर अगेन स्मॉल टी कैपिटल आर, ये भी एक अलग से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा क्योंकि हम लोगों ने तो कैपिटल जो टॉल राउंड को जो ड्वार्फ रिंकल थे उनसे क्रॉस करवाया, लेकिन यहाँ पे ड्वार्फ राउंड प्रोड्यूस हो गया, इसके बाद अगला भी ड्वार्फ राउंड होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगेन टॉल राउंड आ गया, आगे वाला जो ये वाला प्लांट होगा दैट विल बी सॉरी स्मॉल टी स्मॉल आर ये भी हमारे पास टॉल रिंकल्ड होगा। इसके बाद अगेन आएगा ड्वार्फ राउंड प्लांट, सॉरी ये स्मॉल आर होगा, ड्वार्फ राउंड प्लांट आएगा और लास्ट में हमारे पास स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा। तो यहाँ पे तीन हमारे पास जो प्लांट ये वाले प्रोड्यूस हुए दे आर ड्वार्फ राउंड, और ये वाले जो तीन प्लांट प्रोड्यूस हुए दे आर टॉल और रिंकल प्लांट। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं हमारे पास 3 out of 16 टॉल राउंड, नहीं भाई टॉल राउंड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टॉल राउंड है, तो ये वाली ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाती है। तो 9 out of 16 टॉल राउंड, हाँ बिल्कुल 1 out of 16 ड्वार्फ राउंड, लेकिन ड्वार्फ राउंड तो तीन है तो ये वाली ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाती है। 9 out of 16 टॉल रिंकल्ड, नहीं 9 out of 16 जो है वो टॉल राउंड है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाती है। 3 out of 16 जो है वो टॉल रिंकल्ड है, तो टॉल रिंकल्ड और टॉल रिंकल्ड तीन हो गए, 3 out of 16 ड्वार्फ राउंड है, तो ये वाले तीन जो थे ये ड्वार्फ राउंड है, दिस इज द राइट आंसर। आगे हमारे पास है इन मेंडलिज्म द लिंकेज वाज नॉट ऑब्जर्व ड्यू टू, अब मेंडलिज्म बेसिकली जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो जीन लिंकेज के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा होता, जीन लिंकेज वो वाहिद करेक्टर है जो कि उसके साथ जो है वो रिलेट नहीं कर पाता। मेंडलिज्म के अंदर क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गई थी दैट इज वाई उसके अंदर जीन लिंकेज ऑब्जर्व नहीं हुई थी। अक्रॉस बिटवीन प्लांट्स हैविंग कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी कि राउंड येलो विद रिंकल्ड ग्रीन कंपोजिशन विल यील्ड प्लांट, अब ये दोनों ही हमारे पास जो है वो डोमिनेंट है तो जितने भी प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो राउंड येलो वाले प्लांट होंगे, दैट इज द राइट आंसर। व्हेन अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स इज क्रॉस विद अ ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड, अभी अभी हम लोगों ने देखा द जनरेशन कंसिस्ट ऑफ टॉल प्लांट्स एंड राउंड सीड्स, उनकी जो कंपोजिशन होती है दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर सॉरी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हमारे पास आगे इसका क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स अ प्लांट वुड प्रोड्यूस, अब ये वाला प्लांट कितनी तरह की गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, हम लोगों ने खुद ही अभी करके देखा है इस प्लांट ने चार अलग अलग तरह के गैमेट्स बनाने, कैपिटल आर टी कैपिटल आर कैपिटल डी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ये चार अलग अलग तरह के गैमेट्स बनाएगा तो इसने 4 गैमेट्स बनाने हैं। इन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी ऑफ प्रोजेनी इन एफ टू जनरेशन पोजेस जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, अब हम लोगों ने जब वो कैपिटल टी और कैपिटल आर वाला जो टॉल और राउंड वाला और रिंकल्ड और जो ड्वार्फ है उसको भी क्रॉस करवाया था तो एफ टू के अंदर सिर्फ एक प्लांट ऐसा प्रोड्यूस हुआ था जिसमें दोनों करेक्टर जो थे वो होमोजाइगस थे रिसेसिव के लिए आउट ऑफ 16, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा ही होगा कि आउट ऑफ 16 सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट ऐसा होगा जिसके लिए दोनों कैरेक्टर जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव हैं। इन द डाईहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ राउंड ग्रीन सीड्स दैट वर होमोजाइगस फॉर राउंड ट्रेट, अब यहाँ पे राउंड ग्रीन सीड कितने हैं, 3 राउंड ग्रीन सीड प्रोड्यूस होंगे, लेकिन 3 यहाँ पे इसका आंसर नहीं है, दैट वर होमोजाइगस फॉर राउंड ट्रेट, तो इन तीनों में से जो राउंड ट्रेड के लिए होमोजाइगस है वो सिर्फ और सिर्फ एक है तो इसका आंसर जो हमारे पास 1 होगा।
एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट हैविंग पर्पल कलर्ड फ्लावर्स विद दैट ऑफ वाइट कलर फ्लावर्स ऑफस्प्रिंग्स विल हैव फ्लावर्स ऑफ। अगर हमारे पास पर्पल कलर्ड फ्लावर जो है वो ट्रू ब्रीडिंग है तो पर्पल जो है वो हमेशा व्हाइट के ऊपर डोमिनेंट होता है, तो हमारे पास सारे के सारे जो होंगे वो पर्पल फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें दोनों डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए पूरा, और वो उन दोनों के दरमियान में एक मिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा फिनोटाइप के अंदर। तो डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन बोथ एक्सप्रेस वो को डोमिनेंस होती है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होती। वन एलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट, वो कम्प्लीट डोमिनेंस होगी। द फिनोटाइप ऑफ द हेटरोजाइगस इज इंटरमीडिएट बिटवीन फिनोटाइप्स ऑफ टू होमोजाइगोट, दैट इज करेक्ट। ये हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट होगा, जैसे व्हाइट और रेड को क्रॉस करवाया जाए तो पिंक प्रोड्यूस होता है, दैट इज अ इंटरमीडिएट। मल्टीपल एलील्स एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें, एलील्स फ्रॉम अ जीन अराइज बाय, किसी भी जीन की जो मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, वो वहां से म्यूटेशन के जरिए प्रोड्यूस होती हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे पहला ये हमारे पास आंसर सही है, क्योंकि देखें जो कोई भी ऐसी जीन जिसकी दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी उसे हम लोग मल्टीपल अलील का नाम देंगे, मल्टीपल अलीलिज्म का नाम देंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर तीन अलील्स होती हैं, ये मल्टीपल अलीलिज्म के अंदर आता है। मल्टीपल अलील्स आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन हुज नंबर इज मोर देन टू एंड मे हैव एज मेनी एज 300 अलील्स, बट अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कैन, जो हमारे पास कोई भी एक करेक्टर है, जैसे आंखों के रंग की बात कर लें, इसकी 300 अलग अलग एलील्स हो सकती हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ दो एलील्स ही मौजूद होंगी, वो होमोजाइगस या हेटरोजाइगस होगा वो। तो हैव जस्ट वन, वन नहीं होगी इसमें, हैव फोर भी नहीं होंगी, हैव टू ऑफ देम इन इट्स जीनोम, दैट इज द राइट आंसर। इन ह्यूमंस द पॉलीमॉर्फिक जीन आई हैज 3 मल्टीपल एलील्स which are result of, जो मल्टीपल allelism या alleles प्रोड्यूस होती हैं वो म्यूटेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती हैं। द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए कैन बी, जो ब्लड ग्रुप ए है, जो देखें आई वाली allele है ना, सॉरी आई वाली जीन है ना, उसकी अगर कैपिटल आई ए कैपिटल आई ए ये जीनोटाइप हो तो ये ब्लड ग्रुप ए प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा कैपिटल आई ए और स्मॉल आई हेटरोजाइगस हो, ये भी हमारे पास ए ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करेगी। तो ये तो सही वाला आंसर है ही है, लेकिन अगर हम पूरे के पूरे बात करें तो दिस इज द राइट आंसर। स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव होती है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। अ पर्सन विद एंटीजन्स बी प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड एंटी ए एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा विल हैव, अगर किसी इंसान के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है तो स्ट्रेट अवे उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। अगर एंटीजन ए मौजूद होगी उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन ए बी दोनों मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर कोई भी एंटीजन मौजूद ना हो देन ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा। इफ अ फीमेल हैज ए ब्लड ग्रुप एंड हर हस्बैंड हैज ओ ब्लड ग्रुप देन द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चिल्ड्रन वुड पॉसिबली बी, अब अगर फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप है ए, उसका उसकी जीनोटाइप ये वाली हो सकती है और ये वाली हो सकती है। अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है ओ, हस्बैंड की जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आई ही होगी। तो अगर जो फीमेल की जीनोटाइप ये वाली भी है या ये वाली है, सपोज करें फीमेल जो है वो हेटरोजाइगस है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो ए वाले भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो ओ वाले भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर फीमेल जो है वो होमोजाइगस है तो उनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ ए वाले प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पर फीमेल की जो जीनोटाइप है वो नहीं बताई गई, सिर्फ और सिर्फ फीमेल की फीनोटाइप बताई गई है। तो हम यहाँ पे सेफ आंसर करेंगे, ए और ओ दोनों ग्रुप्स हो सकते हैं, बी कभी भी नहीं होगा क्योंकि बी वाली अलील ही यहां पे नहीं पाई जाती। तो ए एंड ओ, दिस कैन बी द राइट आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई व्हिच हैज 3 एलील्स एंड शो कोडोमिनेंस। देयर आर 6 जीनोटाइप्स, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, 6 जीनोटाइप्स कैसे होंगी? हमारे पास एक जीनोटाइप आ गई ये वाली, जिसमें दोनों के ऊपर ए वाला जो है वो डोमिनेंट एलील्स मौजूद है, दूसरी जीनोटाइप है ये वाली, इन दोनों जीनोटाइप्स ने सिर्फ और सिर्फ ए ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करना है। अगर हम बात करें इस जीनोटाइप की, इसने ए बी ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करना है। अगर हम बात करते हैं सॉरी ये बी बी या फिर इन दोनों जीनोटाइप्स ने क्या प्रोड्यूस करना है, इन्होंने बी ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करना है,
और अगर हमारे पास ये वाली जीनोटाइप होती है तो इसने ओ ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करना है। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 अलग अलग जीनोटाइप्स है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कितने ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस कर रही है, वो 4 ग्रुप्स प्रोड्यूस कर रही है। तो 6 जीनोटाइप्स हैं, दे विल रिजल्ट इन 4 पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स, 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज नॉट पॉसिबल इन अ पर्सन हुज फादर इज ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पे अगर फादर का ब्लड ग्रुप जब ओ है, तो फादर की जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आई है। अगर मदर की जीनोटाइप जो है वो ए होगी तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, मदर की जीनोटाइप जो बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, अगर ओ है तो ओ हो सकता है, लेकिन ए बी नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी के लिए फादर से ए या बी वाली एलील का आना जरूरी है। अगर मदर से ए वाली एलील आ रही है तो बी वाली एलील फादर से आएगी, लेकिन फादर में तो दोनों ही ओ वाली एलील्स हैं, तो ये वाला ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं हो सकता किसी भी ऐसे बच्चे का जिसके फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा। अ मैन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ओ, मैन का ब्लड ग्रुप ओ है तो मैन की जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आई है। मैरीज अ वुमेन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए, ओके। अब वुमेन की जो जीनोटाइप हो सकती है वो कैपिटल आई ए या फिर कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। हुज फादर वॉज ऑल्सो, अब वुमेन का जो फादर है वो ओ था, तो वुमेन के फादर से भी वुमेन को जो स्मॉल आई वाली एलील मिली हुई होगी, तो दैट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द वुमेन। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ इन देयर ऑफस्प्रिंग, अगर हम इनके ऑफस्प्रिंग में ओ की प्रोबेबिलिटी देखें, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी देखें, तो हम यहाँ पर इनके गेमीट्स को पूरे स्क्वायर बना के देख लेते हैं एक दफा। वुमेन के गेमीट्स को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल आई ए स्मॉल आई, मेल के जो गेमीट्स थे वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगा, ए जीनोटाइप प्रोड्यूस होगी, ए फिनोटाइप प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे भी ए फिनोटाइप होगी, लेकिन इस जगह पे दो जो है वो ओ फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। तो 50% या फिर 2 out of 4 जो होंगे बच्चे उनके अंदर ओ ब्लड ग्रुप होगा, इसका आंसर जो दैट विल बी 50%। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, ये बड़ा स्ट्रेट अवे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जो ओ नेगेटिव होते हैं इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर का नाम देते हैं। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस कैन बी फाउंड इन, जो एंटीजेंस होती हैं वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर तो होती हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे बाकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर और स्लाइवा के अंदर भी ब्लड ग्रुप के एंटीजन जो है मौजूद होती हैं। तो ऑल ए बी एंड सी इसका आंसर होगा। ए बी ब्लड सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये एमडी कैट का एक पास्ट पेपर का सवाल है तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का या मल्टीपल एलील्स की एग्जाम्पल है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल एलीलिक कैरेक्टर, अभी भी हम लोगों ने बात की ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग जो है दैट इज अ मल्टीपल एलीलिक कैरेक्टर। इफ सारा हैज ब्लड ग्रुप ओ, द जीनोटाइप ऑफ हर मदर एंड फादर इज पॉसिबली। अब अगर सारा का ब्लड ग्रुप ओ है ना, तो इसका मतलब है कि उसको मदर से भी एक आई वाली अलील मिली है और फादर से भी एक आई वाली अलील मिली है, तभी जाके सारा के अंदर दोनों आई वाली अलील जो प्रोड्यूस हुई हैं। तो उसकी मदर और फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो सकता है, बी आई एंड बी बी, ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के अंदर आई वाली अलील होना जरूरी है। दैट विल ऑल्सो नॉट बी द केस, बी आई दिस विल बी द केस, दोनों के अंदर एक एक आई वाली अलील मौजूद है, देन सारा ब्लड ग्रुप विल बी ओ। ये हमारे पास पार्ट वन है। अगर किसी भी क्वेश्चन की आप लोगों को समझ नहीं आई होगी तो आपने कमेंट के अंदर मुझे लाजमी तौर पे बताना है कि फलां क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया, हम उसको कमेंट में भी डिस्कस कर सकते हैं, उसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोज जो है वो कंटिन्यूसली चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरा जो सिलेबस है वो मिल सके। इसी तरह से आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।